एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जा रहे फड्डा पे। दोस्तों, 21 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में, उसने अपना जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए एक नोटिफिकेशन, एक यू नो पैम्पलेट निकाला है आपके न्यूज़पेपर में। अगर अपन बात करें कि वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यू नो करवाने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन था वो ऑलरेडी 8 से 10 महीने पहले हमारा आ चुका था, और अब जो है ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, दैट इज अगर अपन बात करें कि जो हमारा AWES जो है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अब वो जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो करवाने जा रही है। अभी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा, बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप का आपका एग्जाम ही होता है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, सो दैट आप अपने नजदीकी जो भी आपके आर्मी स्कूल है वहां पे उस सर्टिफिकेट को यू नो प्रेजेंट करके, और आपके पास एक क्राइटेरिया हो जाता है आर्मी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसे क्या एग्जाम होने वाला है और कब कब एग्जामिनेशन डेट है। तो अगर अपन बात करें 21st जो हमारा जुलाई है, ऑलरेडी ये पैम्पलेट आ चुका है। जो अब ये पोस्ट है किस किस के लिए वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पोस्ट है आपका, ये आपका PRT के लिए होने वाला है, ये आपका PRT के लिए होगा, साथ में आपका ये आपका TGT के लिए होने वाला है, साथ में आपका PGT के लिए भी होगा। तो तीनों के लिए है, PRT हो गया, PGT हो गया, TGT हो गया। अब सेकेंड हमारा क्या है कि सर जो रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन करने की डेट क्या है, तो 21 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, और जो आपकी लास्ट डेट है वो आपके 10 सितंबर से है। तो 21 जुलाई टू 10 सितंबर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ में जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है उसकी भी डेट गिवन है। एडमिट कार्ड आप 20 सितंबर से डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका डेट ऑफ एग्जाम है, सीधा सीधा बता रखा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डेट ऑफ जो एग्जाम आपका होने वाला है वो आपका होगा सर 30 सितंबर एंड 1st अक्टूबर। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होगा। अब ज्यादा अगर आपको थोड़ा डिटेल में अगर इसका सिलेबस वगैरह कुछ वो करना है तो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ भी है, दैट इज www.awesindia.com। मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो वेबसाइट है, सो दैट आप लोग विजिट कर पाए, www.awesindia.com। तो यहाँ पे जाके आप डिटेल जो भी है सिलेबस वगैरह सारी चीज देख सकते हैं, बिकॉज जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी 8 से 10 महीने पहले इसकी बातचीत हो रही थी, बट फाइनली क्या है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम लोग क्या करवाने वाले हैं, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है करवाने वाले हैं। अब देखो, एक जो मैं बात है आपको बताना चाहूंगा, कोई सा भी आपका टीचर का एग्जाम हो, चाहे वो TGT हो, PGT हो, हमारा जो जनरल पेपर होता है, जैसे आपने अभी देखा EMRS में, चाहे वो PGT एग्जाम है चाहे वो TGT एग्जाम है, तो जनरल पेपर जैसे हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हमारा ICT हो गया, है ना, ये जो जनरल चीजें होती हैं आप किसी भी एग्जाम में दो, हमेशा आपके डेफिनेटली काम में आने वाली है। प्लस साथ में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो वो भी साथ में आपका होना चाहिए। अगर दोनों चीजें आपके स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप भारत के किसी भी एग्जाम, कौन सा भारत का कोई सा भी एग्जाम हो टीचिंग पोस्ट के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, साथ में आप उसको क्रैक भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, जो हमारे लर्नर्स हैं जो अपना टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो अपना आर्मी वेलफेयर स्कूल से, आर्मी जो हमारे सैनिक स्कूल जो हैं उनसे अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एवरीवन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बने रहिए जा रहे फड्डा के साथ।